एक समय की बात है, एक गांव में एक भूतिया घर था। गांव वाले डर से उस घर के आसपास नहीं जाते थे। गांव वालों का मानना था कि उस घर में एक जादूगर लड़की की आत्मा रहती है। एक दिन गांव के कुछ साहसी बच्चे उस भूतिया घर में जाने का और उस घर में घूमने का फैसला करते हैं। बच्चे जब घर के सामने गए तो देखा सिर्फ खिड़की खुली हुई है। सभी बच्चे उस खिड़की से घर के अंदर चले गए। बच्चे अंधेरे में घर के अंदर घूम ही रहे थे कि अचानक से खिड़की बंद हो गई। यह देखकर सारे बच्चे डर गए। अचानक से जादूगर लड़की का भूत बच्चों के सामने आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। भूत ने बच्चों से कहा कि अब तुम सब मेरे बंदी हो, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बच्चों को डर के मारे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और सब एक साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक बच्चे को एक पुरानी किताब मिली, जो कि एक जादुई किताब थी। उस किताब में एक जादुई मंत्र लिखा था, जिसको पढ़ने से वह भूत घर से दूर भाग सकता था। बच्चों ने मिलकर उस मंत्र को पढ़ना शुरू किया। अचानक से एक रोशनी घर के अंदर आई और उस भूत को साथ ले गई। भूत के घर से बाहर जाते ही घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गई और बच्चे दौड़कर घर से बाहर निकल आए। उस दिन से वह घर भूत से आजाद हो गया। गांव वालों ने सारे बच्चों के साहस की तारीफ की और सबको इनाम भी दिया।